हल्द्वानी में चित्रा त्रिपाठी हमारे सहयोगी पहुंच चुकी हैं। चित्रा, आपसे समझना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, निश्चित तौर पर खुशी की बात होगी क्योंकि स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर, तो वहां के लोगों में खुशी की लहर होगी। चाहे तो आप बातचीत भी कर सकती हैं और किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं, आप दर्शकों को जानकारी दें। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ के लोगों ने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया है क्योंकि 50,000 एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका ये सवाल था और सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आता है यहाँ पर माइक से अनाउंस किया जाता है और उसके बाद चारों तरफ खुशी की लहर देखने को मिलती है। यहाँ के लोग हमारे पास है, लगातार दुआ कर रहे थे, इनसे जरा बातचीत करते हैं। खुश हैं आप लोग? हम तो बहुत खुश हैं भैया, दुआ हो रही है, बहुत ज्यादा खुश हैं और किसी का गरीब का घर ना बिगाड़े ऊपर वाला, हर लोग यही दुआ कर रहे हैं। मतलब दुआ कबूल हो गई अब आप लोगों की? आप लोगों की कौन बात करेगा, इधर आइए, आप लोगों की दुआ कबूल हो गई लगातार आप बैठे बैठे देखिए ये छोटे छोटे, इधर आइए इधर आइए। लोगों की उम्मीद थी हमें न्याय मिलेगा, आप लोगों को उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी हाँ न्याय मिलेगा हमें, किस बात को लेकर आप लोगों की उम्मीद? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा था ना, हमें सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर जाया नहीं जाएगा। एक महीने के बाद फिर सुनवाई होगी तो आगे क्या, किस तरह की हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे पास मजबूती है आगे की लड़ाई। ठीक है, चित्रा आपका फौरन रुख कर रहे हैं, संजय शर्मा का एक बार दोबारा रुख कर लेते हैं, समान खुशी से बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। 80 साल से वहां रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इंसानी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए, ये भी कहा, लेकिन ये कहा कि आप इस पूरे मामले को गौर से देखकर और इसका कोई रास्ता निकालिए, कुछ हल निकालिए, इसका समाधान निकालिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पहले ये नीचे जाए फिर ऊपर आए फिर नीचे जाए, ये कोर्ट में ही घूमता रहे। हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए, अगर रेलवे को जगह की ज़रूरत है तो उनकी जगह कैसे उनको मिल सकती है वो आप तय करिए, और जो लोग वहाँ रहते रहे हैं उनको आप यकीनन उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाइए जो हम उससे मुतमईन हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठाए कि 7 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी कहा, जो कोर्ट ने कहा, देखिए कोर्ट बहुत सारी चीजें कहता है जब बहस हो रही होती है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर सिर्फ यही है कि अभी इस वक्त इस मामले पर हम स्टे लगा रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे हैं, हम स्टे लगा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफा आप आएंगे तो कोई प्लान लेकर आएंगे जो सब लोगों को मुतमईन करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी संजय। कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा आदेश, बड़ी राहत। सिद्धार्थ सर, कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा आदेश, बड़ी राहत, क्या हो गया सर? ठीक है, चलिए। देखिए कोर्ट इस चीज से पीड़ित थे कि 50,000 लोगों को 7 दिन में हटाया जा रहा है, और ये गैर का, ये कोर्ट को लगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी ये कानून के तहत नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी। कोर्ट ने ह्यूमन एंगल भी इसमें बताया है, जरूर उसको आधार बनाया। कोर्ट को तो ह्यूमन एंगल दिखा क्योंकि 40-50 साल से 70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, 47 के बाद लोग यहाँ के रह रहे हैं, तो एक 7 दिन में उनको हटाना तो एकदम जुल्म वाली बात है, इसीलिए। चलिए, तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी नहीं हटेगा अतिक्रमण, नहीं चलेगा बुलडोजर, यानी कि हल्द्वानी में जो लोग थे 50,000 जिनकी संख्या बताई जा रही है, 4,400 से ज्यादा परिवार, उनमें खुशी की लहर। सीधा रुख करते हैं हल्द्वानी का, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी उन सभी लोगों के बीच में मौजूद है, किस तरह खुशी इजहार कर रहे हैं सुनवाते हैं। चित्रा बात भी करिए और क्या जानकारी आप दर्शकों को अपडेट करें, चित्रा त्रिपाठी। आज तक जी चित्रा, देखिए यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे लगातार मैं बातचीत कर रही हूँ, खुशी की लहर, और इन लोगों का ये कहना है कि इनके पास पेपर भी हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह की उम्मीद थी। ये छोटे छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पर आकर लगातार दुआएं कर रहे थे और इनके भी चेहरे अब खिल गए हैं, हालांकि छोटे बच्चों को पता नहीं होगा कि किस बात की लड़ाई है, लेकिन बड़े लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। दुआ कबूल हो गई आपकी? इंशाल्लाह जरूर होगी। खुश है आप लोग? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल। आगे के लिए अब क्या रणनीति बनाएंगे? आगे जो भी, जो सुप्रीम कोर्ट जैसा ऑर्डर करेगा उसके रास्ते के कागजात बेहतर ही होगा, हमारा बेहतर ही होगा। आप लोग हमारा कितने साल हो गए थे यहाँ पर रहते हैं? तो 60 साल होगा, हमारा दादा परदादा यहाँ गई है, तो 60 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से हटाने की, कुछ ऐसा मसला नहीं आया, सब एक कंधा से कंधा मिला के चले, सारे लोग किसी मजहब के भी हो और कोई दुख तकलीफ होता फौरन साथ खड़े। अभी आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, आप आइए, अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं? सरकार की ओर से जो होना था वो एक दूसरी बात है, अभी कोर्ट में है मामला, हाई कोर्ट से रिजेक्शन मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें स्टे दिया है, आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी वो हमारे वकील बताएंगे, अभी जैसे डिस्कस करेंगे शाम को सब लोग आएंगे वापस या मैक्सिमम बाय टुमारो, तो उसके बाद ही कुछ। लेकिन स्टे लग जाने से आप लोग बहुत या वो रिलीफ तो हो ही गया, तफरी थी लोगों में।